अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारा एफएससी पार्ट वन का आज पहला लेक्चर है जिसमें हम लोग चैप्टर फोर के इंट्रोडक्शन करेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे। चैप्टर फोर इज़ अबाउट लिक्विड एंड गैसेस और हम लोग इसका लेक्चर नंबर वन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से रिलेटेड पढ़ेंगे। इन लेक्चर्स की खूबी ये होगी कि हम लोग इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को हर टॉपिक से रिलेटेड और कुछ एमसीक्यूज़ को भी डिस्कस किया करेंगे। और मैंने कुछ ऐसे डिज़ाइन किया इन एफएससी के लेक्चर्स को कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल भी मिल जाए और आपको किसी किस्म के नोट्स की या शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह की बुक्स के लिए या ऑब्जेक्टिव के लिए बुक्स की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं आप लोगों को ये समझाऊँगा भी और इसके साथ साथ आपको इतना मटेरियल मिल जाया करेगा हर टॉपिक से रिलेटेड कि आप लोग ईजीली यहीं से लेक्चर से ही तैयारी कर सकते हैं आपके इन टॉपिक्स की। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारा पहला लेक्चर विच इज़ अबाउट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। एक्चुअली चैप्टर है लिक्विड एंड गैसेस से रिलेटेड और सबसे पहले पैराग्राफ गिवन है कि हम लोग देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, उनको हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस में कन्वर्ट करते हैं और तीसरी स्टेट प्लाज्मा ली जाती है, चौथी स्टेट। सॉलिड, लिक्विड और गैस में बेसिक डिफरेंस उनकी स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पर होता है। सॉलिड्स में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, लिक्विड में वीक होती हैं और गैशियस स्टेट में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ना होने के बराबर ली जाती हैं। तो असल में ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ ही टाइप्स को या डिफरेंट टाइप्स या डिफरेंट स्टेट्स को मेंशन करती हैं कि अगर बहुत ज़्यादा हैं तो सॉलिड, अगर कम हैं तो लिक्विड और अगर ना होने के बराबर हैं तो स्पीशीज़ विल बी इन द गैशियस फॉर्म। ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती क्या हैं, हम लोग चैप्टर के स्टार्ट में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की कुछ टाइप्स को पढ़ेंगे। कहते हैं ऐसी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो प्रेजेंट होती हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस, एक ही सब्सटेंस के या डिफरेंट सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती हैं, इनको हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का नाम देते हैं। जैसे HCl की, ये देखें, ये HCl का एक मॉलिक्यूल है, ये HCl का दूसरा मॉलिक्यूल। तो इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये जो डॉटेड लाइन से हमने फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन शो की हैं, दीज आर कॉल्ड एज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल ऑफ अ स्पीशीज आर कॉल्ड एज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। दीज फोर्सेज ऑपरेट्स बिटवीन ऑल काइंड ऑफ द मॉलिक्यूल, वो चाहे पोलर मॉलिक्यूल हों, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हों, जिस तरह के भी मॉलिक्यूल्स हैं, डाईएटॉमिक हैं, ट्राईएटॉमिक हैं, सारे मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती हैं। और ये जितने ज़्यादा क्लोज होंगे मॉलिक्यूल, उतनी ये फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी। अगर ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से अवे हैं तो ये फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कम होंगी। इन सारी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग कोलेक्टिवली वॉन्डरवॉल फोर्सेस का नाम देते हैं। पॉइंट याद रखना है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और ऑल्सो कॉल्ड एज वॉन्डरवॉल्स फोर्सेस, इनको हम लोग वॉन्डरवॉल फोर्सेस का नाम भी देते हैं। एक होती हैं इंट्रा मोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर इन बिटवीन द मोलिक्यूल, इंट्रा मोलिकुलर विद इन द मोलिक्यूल। Those forces of attraction which binds the atom within the molecule are called as intramolecular forces of attraction. Bonding forces भी intramolecular में आती हैं, जैसे यहाँ ये mentioned है H और Cl के दरमियान ये जो covalent bond है, that will be called as intramolecular forces of attraction. Individual molecule के दरमियान जो dotted line से show करते हैं, these are intermolecular. और जो बॉन्डिंग फोर्सेज हैं बिटवीन एच एंड सी एल, दीज आर कॉल्ड एज इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। असल में इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन पोलैरिटी की वजह से होती हैं और इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर ड्यू टू द बॉन्डिंग। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इन्वॉल्व इन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, दैट इज वाई इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर मच वीकर दैन द इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज। पॉइंट याद रखना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, सो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इसमें वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी बॉन्डिंग की वजह से, उनकी आपस में अट्रैक्शन की वजह से ये फोर्सेज एग्जिस्ट करती हैं। जबकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो मॉलिक्यूल के दरमियान पाई जाने वाली ये फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन
दीज आर मच वीकर एज़ कम्पेयर टू इंट्रा मोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। एग्जाम्पल्स गिवन है इंट्रा मोलिकुलर की, ये हम लोग यहाँ डिस्कस कर चुके हैं कि एच और सी एल के दरमियान जो बॉन्डिंग फोर्सेज हैं दीज आर कॉल्ड एज इंट्रा मोलिकुलर, और एच सी एल के मॉलिक्यूल को जो आपस में बाइंड करती हैं फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, उनके दरमियान जो अट्रैक्शन है उसको इंटर मोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन का नाम देंगे। टाइप्स ऑफ इंटर मोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर फॉलोइंग। डाइपोल डाइपोल फोर्स है, आयन डाइपोल फोर्सेज हैं, इनको हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करेंगे, डाइपोल डाइपोल फोर्सेज को डिस्कस करेंगे। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को डिस्कस करेंगे, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज डेबाय फोर्सेज। इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज, इनको लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज भी बोला जाता है, तो इन सारी फोर्सेज को हम लोग एक्सेप्ट आयन डाइपोल फोर्सेज इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ एक एग्जांपल से उसने कंपैरिजन दिया है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज और इंट्रा मोलिकुलर फोर्सेज में आपस में डिफरेंस क्या होता है। देखें, जब हम लोग H2O को लिक्विड फॉर्म से H2O को गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो असल में मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन है वो ख़त्म हो रही होती है, वी आर ओवरकमिंग द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। वेपराइजेशन के प्रोसेस में जब लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होता है तो एक्चुअली वी आर ओवरकमिंग द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, और यहाँ एनर्जी कितनी चाहिए, जस्ट 44 किलो जूल पर मोल। लेकिन जब आप वाटर को डीकम्पोज करते हैं यानी उसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग करते हैं, यू आर ओवरकमिंग द इंट्रा मोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, तब आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को बहुत कम अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसका मतलब है वो वीक होती हैं, एज़ कम्पेयर टू इंट्रा मोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, इनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट एनर्जी की रिक्वायर्ड है, 920 किलो जूल पर मोल एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो इसका मतलब है डीकम्पोजिशन के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट रिक्वायर्ड है, इसलिए इंट्रा मोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं एज़ कम्पेयर टू इंटर मोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। पहली टाइप हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेज। कहते हैं इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड ऑफ अ पोलर मॉलिक्यूल आ डाइपोल, पोलर मॉलिक्यूल को डाइपोल, दो पोल वाला, डाइपोल मतलब दो पोल वाला, एंड द नेगेटिवली चार्ज एंड ऑफ द नेबरिंग पोलर मॉलिक्यूल एंड अदर डाइपोल इज कॉल्ड एज डाइपोल डाइपोल फोर्सेज। यानी एक डाइपोल के या पोलर मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव एंड दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव एंड के दरमियान जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती हैं, इनको हम लोग डाइपोल डाइपोल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन का नाम देते हैं, दिस आर कॉल्ड एज डाइपोल डाइपोल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड द पार्शियल नेगेटिवली चार्ज एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट ईच अदर, दिस इज कॉल्ड एज डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। असल में ये ऐसे मॉलिक्यूल्स के अंदर एग्जिस्ट करती हैं जिनके अंदर जो दोनों बॉन्डेड एटम हैं उनमें सफिशेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एग्जिस्ट करे। यानी अगर दो H2 के मॉलिक्यूल H2 H और H एटम होता, H एटम अगर दोनों यहाँ पर होते, तो H2 में ये जो इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड पेयर होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं आता। यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये लोन अपने शेयरिंग पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेता है, ये बन गया नेगेटिव पोल, ये बन गया पॉजिटिव पोल, और ये पूरा मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल या डाइपोल कहलाता है। अब एक डाइपोल का पार्शियल नेगेटिव एंड जाहिर है दूसरे डाइपोल के पार्शियल पॉजिटिव एंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी तरह ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल है CHCl3, इसमें तीनों क्लोरीन पार्शियल नेगेटिवली चार्ज हैं और दोनों कार्बन और हाइड्रोजन एटम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हैं, तो पार्शियल नेगेटिवली क्लोरीन ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन ऑफ अदर मॉलिक्यूल के दरमियान ये जो अट्रैक्शन प्रोड्यूस होती है इसको हम डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम देते हैं। पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, ऐसा मॉलिक्यूल जो दो डिससिमिलर यानी डिफरेंट एटमों से मिलकर बना हो और उन दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान एप्रिशिएबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, यानी इतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम अज़ कम एग्जिस्ट करे कि वो उन पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस कर दे, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है बिटवीन 0.4 से 1.7। अगर दो एटम जो एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हैं
उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 से लेकर 1.7 के दरमियान एग्जिस्ट करे तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं या डाईपोल का नाम देते हैं। अब डाईपोल डाईपोल फोर्सेस में दीज आर 1% एज इफेक्टिव एज अ कोवेलेंट बॉन्ड। ये पॉइंट याद रखना है, एमसीक्यूज में अक्सर पूछा जाता है कि इनकी स्ट्रेंथ, अगर कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ को 100 न्यूटन मान लिया जाए तो इनकी स्ट्रेंथ जस्ट 1 न्यूटन होती है, ये इतनी वीक होती हैं एज़ कम्पेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड। फैक्टर्स अफेक्टिंग डाइपोल डाइपोल फोर्सेज, पहला फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। दो बॉन्डेड एटम के दरमियान, ये जो दोनों बॉन्डेड एटम हैं जिनमें डाइपोल डाइपोल फोर्सेज हमने एग्जिस्ट पीछे डिस्कस किए हैं कि HCl के मॉलिक्यूल में, तो इनके दरमियान जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा उतने पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा आएंगे। जितने पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा आएंगे पोलैरिटी बढ़ेगी, और पोलैरिटी बढ़ेगी तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जाएंगी, यानी ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर डिपेंड करती हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होने से पोलैरिटी बढ़ती है और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, और जब ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती हैं तो ये सारी थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ बढ़ जाती हैं, इंक्रीज़ कर जाती हैं, इनकी वैल्यूज़ इंक्रीज़ कर जाती हैं, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं, हीट ऑफ वेपोराइजेशन बढ़ जाती है, हीट ऑफ सब्लिमेशन इंक्रीज कर जाती है। ये इनको थर्मोडाइनमिक फैक्टर बोला जाता है, यानी ऐसे फैक्टर जो टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करते हैं डिपेंड करते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएंगे इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे, हीट ऑफ वेपोराइजेशन यानी हीट रिक्वायर्ड टू वेपोराइज, और हीट ऑफ सब्लिमेशन हीट रिक्वायर्ड टू सब्लाइम अ सब्सटेंस, ये सारी इंक्रीज हो जाती हैं। दूसरा फैक्टर है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेज, यानी जब ये गैशियस फॉर्म में होते हैं मॉलिक्यूल तो तब ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लोग इनको लिक्विड बनाते हैं एक दूसरे के करीब लेकर आते हैं गैशियस मॉलिक्यूल को, इनके दरमियान डिस्टेंसेज कम होते जाते हैं, तो जितने डिस्टेंसेज कम होते जाएंगे ये फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जाएंगी, तो ग्रेटर द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल लोअर विल बी द वीकर विल बी द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, और लोअर द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल हायर विल बी द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। ये डायरेक्ट इन्वर्सली रिलेटेड हैं, इससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली रिलेटेड हैं और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेज के इन्वर्सली रिलेटेड हैं। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, अब ये तो समझ आ गया कि डाइपोल अगर एक गैस पोलर है तो उसको हम लिक्विफाई कैसे कर सकते हैं कि डाइपोल है दूसरा डाइपोल है डाइपोल डाइपोल के दरमियान अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो जाए तो इनको बोलते हैं हम डाइपोल डाइपोल फोर्सेज। लेकिन हम लोग मिक्सचर ऑफ पोलर और नॉन पोलर को भी लिक्विफाई कर सकते हैं, मसलन ये Cl2 गैस है ये नॉन पोलर है, HCl गैस है इट इज़ पोलर, तो पोलर गैस का असल में जो नेगेटिवली चार्ज पार्ट है वो क्या करता है, इट वुड रिपेल द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस साइड, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल के इस साइड से इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, जब इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इधर ज़्यादा चला जाएगा, तो ये डाइपोल है, जब ये डाइपोल एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के करीब गया तो इसने इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल को पोलर कर दिया, नाउ इट विल बी कॉल्ड एज एन इंड्यूस्ड डाइपोल, इसको हम लोग क्या नाम देंगे इंड्यूस्ड डाइपोल। तो एक परमानेंट डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल के दरमियान जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती हैं इनको हम लोग बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। तो पोलैरिटी क्रिएटेड इन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ परमानेंट डाइपोल इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड डाइपोल, यानी ये परमानेंट डाइपोल है, इसने एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पोलैरिटी इंड्यूस कर दी, इसको हटा लें दूर तो ये पोलैरिटी ख़त्म हो जाएगी, ये करीब आएगा तो ये पोलैरिटी एग्जिस्ट करेगी, इस वजह से हम इसको इंड्यूस्ड डाइपोल का नाम देते हैं। तो एक डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल के दरमियान फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाती हैं, दीज आर कॉल्ड एज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन अ पोलर एंड अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये एक पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान एग्जिस्ट करते हैं। वो कहता है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मिक्सचर है पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का, तो जैसे ही उनको करीब लाया जाता है एक दूसरे के पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को, तो पॉजिटिव एंड ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द नियर बाई नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इस तरह जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उसके ऊपर पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है और वो डाइपोल बन जाता है, जैसे ये परमानेंट डाइपोल है, इसका पॉजिटिव एंड क्या करेगा
इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है क्या बन जाएगा, इंड्यूस डाइपोल। इसका पार्शियल नेगेटिव चार्ज इधर हो गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अपोजिट साइड पर, पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। दीज फोर्सेज आर कॉल्ड डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल फोर्सेज और डिबाई, इनको डिबाई फोर्सेज का नाम भी देते हैं। नीचे फिगर में ये इनको डैश लाइन से, तो परमानेंट डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल के दरमियान ये जो अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है इनको हम लोग नाम देते हैं डिबाई फोर्सेस का, या डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का। ये इस लेक्चर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर डैश देन इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज, वीकर होती हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होती हैं एज़ कम्पेयर टू इंट्रामोलिकुलर। डाइपोल डाइपोल फोर्सेज आर एज वीक एज डैश परसेंट ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। हमने पहले ही पढ़ा है 1% डाइपोल डाइपोल फोर्सेज कोवेलेंट बॉन्ड का 1% होती हैं जस्ट। द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन अमंग आइंस एंड वाटर मॉलिक्यूल्स आर, ये आइन डाइपोल फोर्सेज कहलाती हैं। हमने कहा था कि इनको हम नहीं पढ़ते, तो आइंस जब फॉर एग्जांपल NaCl को पानी में डाल दें तो सोडियम आयन को और क्लोराइड आयन को पानी के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करते हैं, तो उस वक्त इनके दरमियान जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती हैं दोज आर कॉल्ड एज आइन डाइपोल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन विच टाइप ऑफ फोर्सेज, इंट्रा मॉलिकुलर में। हम पहले बात करके आए हैं कि इंट्रा मॉलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली बॉन्डिंग फोर्सेज होती हैं, तो इनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। विच पेयर कंटेन डिबाई फोर्सेज इन इफ लिक्विफाइड, मतलब इन गैसेज में से अगर इनको लिक्विफाई करें तो किस में डिबाई फोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं। ये तो दोनों पोलर हैं तो इनमें तो डाइपोल डाइपोल एग्जिस्ट करेंगी। ये पोलर है, ये नॉन पोलर है, इसमें डिबाई फोर्सेज एग्जिस्ट करेंगे। डिबाई फोर्सेज कौन सी होती हैं, जो डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल के दरमियान एग्जिस्ट करती हैं। तो इस मॉलिक्यूल के पेयर्स में ये वाली फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन डिबाई फोर्सेज एग्जिस्ट करेंगी। ये दोनों नॉन पोलर हैं, इनमें भी डिबाई फोर्सेज नहीं हो सकते, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है जो इस टॉपिक से रिलेटेड आते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज की डेफिनेशन, राइट डाउन द नेम्स ऑफ डिफरेंट इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, पहले पेज पे है हमारे पास डेफिनेशन भी और उनके नेम्स भी। व्हाट आर डिबाई फोर्सेज, ये हमने पढ़ा है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेज भी इनको बोलते हैं, और ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, वहाँ से आपने डिस्कस करना है। डाइपोल डाइपोल फोर्सेज क्या होती हैं हम लोगों ने पढ़ी हैं, इसकी एक एग्जाम्पल भी लिखनी है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंटरमोलिकुलर एंड इंट्रा मोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, तो इनमें डिफरेंस क्या होगा इंटरमोलिकुलर और इंट्रा मोलिकुलर में, इसका आंसर चूंकि पहले हमने डिस्कस नहीं किया तो यहाँ कर रहे हैं। द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती हैं उनको इंटरमोलिकुलर, और विद इन द मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट होती हैं उनको क्या नाम देते हैं इंट्रा मोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन डिटरमिन करती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज को, यानी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एट्सेट्रा, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन, ये सारी बताती हैं। जबकि इंट्रा मोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करती हैं, जैसे बॉन्डिंग बिहेवियर एट्सेट्रा, कि वो डिकम्पोज कैसे होने हैं, उनकी बॉन्डिंग आपस में कैसे होनी है, ये सारी प्रॉपर्टीज इंट्रा मोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन डिटरमिन करती हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होती हैं एज़ कम्पेयर टू इंट्रा मोलिकुलर, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है। तो यहाँ जो डैश लाइन से हमने डॉटेड लाइन से शो की हैं दीज आर कॉल्ड एज इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, जबकि ये जो परमानेंट बॉन्ड से कोवेलेंट बॉन्ड से जो शो कर रहे हैं दीज फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर कॉल्ड एज इंट्रा मोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर, इसमें मैंने कोशिश की है आपको मैक्सिमम मटेरियल देने की। इसके अलावा अगर कुछ सुजेशंस हो, अगर आपको लगे कि ये मेथड ठीक है तो मोस्ट वेलकम, आपने मुझे बताना है, और अगर आपको लगे कि ऐसे नहीं वाइट बोर्ड के ऊपर लेक्चर्स दें तो फिर भी आप लोगों ने सुजेशन देनी है तो मैं सेकंड मेथड भी यूज़ कर लूँगा। ये मेथड मैंने इसलिए अडॉप्ट किया है कि यहाँ आपको मैक्सिमम मटेरियल मिल जाता है, क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाते हैं, वाइट बोर्ड के ऊपर मटेरियल आपको कम मिलेगा, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह नहीं मिलेंगे, तो इस लिहाज से ये मेथड मुझे ज़्यादा बेटर लगा है। लेकिन फिर भी आपकी जो राय हो वो आप लोगों ने मुझे लाजमी बतानी है। चैनल सब्सक्राइब करें और फर्दर लेक्चर्स में इंशाल्लाह इसके ऊपर
अपलोड करता रहूँगा आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड डे।